अच्छा अभी देखा जाए जिस तरीके से आप अभी फील्ड में काम कर रहे थे, 200 स्कूल छोटे छोटे जो है कोचिंग सेंटर जिसको हम कह सकते हैं, ट्यूशन सेंटर बच्चों के लिए 600 कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो एक समाज सेवा करना एक गुनाह साबित हो गया, उसी का खामियाजा आपने अभी जेल में जाके उसको भुगता है, तो अभी जेल के हालत के बारे में थोड़ी सी बताएंगे, क्या ऐसा रहा कि जेल के अंदर जाके आपको मतलब 9 महीने जेल में रहना पड़ा? जेल में मैं रहा हूँ 463 दिन, लगभग 16 महीने के लगभग, लेकिन क्योंकि मैं जिस मूवमेंट को चला रहा हूँ उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, तो उनके नेता को किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो विरोध कर रहा है, अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, तो ये सब चीजें सहनी पड़ेंगी। और जिस मिशन को हम लोग चला रहे हैं, बाबा साहब ने कुर्बानियां दी है, साहब काशीराम ने कुर्बानियां दी है, ज्योतिबा फुले साहब के साथ बहुत अपमान हुआ, मां सावित्रीबाई फुले के साथ अपमान हुआ, तो ये तो रहेगा, लेकिन उन्हें लगा कि इसे जेल में बंद करने से चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन व्यक्ति मर सकता, विचारधारा नहीं मर सकती, तो विचारधारा बाबा साहब की है, साहब काशीराम की है, तो ये विचारधारा नहीं मर सकती, तो इसलिए जो है मूवमेंट हमें मेरे जाने जेल जाने के बाद बढ़ता रहा, और मैं जेल में जिसकी तकलीफ मैंने झेली सरकार, क्योंकि सरकार के खिलाफ मैं लड़ रहा था जी, तो उन तकलीफों में इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता कि जो लोग मुझे बड़ा उम्मीद करते हैं, अगर कभी भविष्य में जेल जाना पड़ा तो उनको ऐसा लगे कुछ इतना सब कुछ होता है, क्योंकि जब आप इस मिशन में आ गए तो सहना पड़ेगा जी, तो मैं अपने लोग कमजोर नहीं करना चाहते सब चीजें करके, तो ये इसके लिए तो यही है कि मैं तैयार था, मैं तैयार होकर गया था लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और जेल में भी संघर्ष किया, आपको देखा आपने पढ़ा होगा मीडिया में, 2 अप्रैल मामले भुगड़ताल पे गया मैं जी जी, और जो 8 दिन भूगड़ताल पर रहा, जबकि बाहर प्रिंट मीडिया छाप रही थी, मुझे भी पत्र कभी वो मिल जाते थे, जो मीडिया लिखती थी कि वो तो खाना खा रहे हैं, क्योंकि डीएम कह रहे थे, तो ऐसी देखिए मतलब आप तर्क संगत अगर बात करें, आप सही को भी गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा था जी जी जी, और मेरा सब मेरे गलती इतनी है कि मैं अपनी आवाज अपने लोगों की आवाज उठा रहा था जी जी ईमानदारी से, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं, इसलिए मुझे जेल डाल दिया।